नमस्कार दोस्तों मैं मनसा राम वर्मा अपने चैनल एस एम स्टडी गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 19 जून के प्रथम पाली के में हुए पेपर में आए हुए प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं इसमें आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी पेपर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो है आज का पेपर मॉडरेट था जी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए थे इसलिए जिन्होंने 20 क्वेश्चन किए हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन है सत्रहवीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है ऑप्शन है गीत गोविंद किताबें नौरस बादशाह नामा मुंतखाब उल आंसर किताब ए नौरस इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत में अल्पाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर वी सही होगा ताल नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रो प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष उन्नीस में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था इसके ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस होमी जहांगीर भाभा सी रमन या विक्रम साराभाई तो इसका सही आंसर है सी रमन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार द्वारा ये कार्य किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और किस नाम से जानते हैं तो इसका बी ऑप्शन सही है पेंडा नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं तो इसका सही ऑप्शन है सी रघुपत शाह है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं तो इसका डी ऑप्शन सही है कजरी सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है तो इसका बी ऑप्शन सही है वारिश अली शाह नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे तो इसका सही आंसर होगा ये है अशोक भी है बिंदुसार या बृहदस्त या फिर पुष्यमित्र तो सही ऑप्शन है सी बृहदस्त अंतिम शासक थे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है तो ये है बी ऑप्शन गाजीपुर राजा हर्षवर्धन ने डाट डा डाट में भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी भी थी कन्नौज इस हिसाब से सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आँख का रंग आँख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है ऑप्शन है आयरिश कार्निया फेस या लेंस तो इसका सही आंसर है आयरिश नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं ये ऑप्शन सही है मोहनदास करमचंद गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन छठी सदी वीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को छेदी कहा जाता था इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है आप जो है जिसको भी पता चले वो कमेंट्स कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यू डी एच आर के अनुच्छेद चार में का विवरण प्रस्तुत किया गया है तो इसका ऑप्शन होगा ए सही है गुलामी की स्वतंत्रता नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया तो ये इसका ऑप्शन सही है स्वयं शिक्षण प्रयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है दूरी का वेरी सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग चार में विवरण प्रस्तुत है तो इसमें आंसर होगा डी पी एस पी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर ए सही होगा रेगुर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय एस बी पी यू ए टी भारत के उत्तर प्रदेश में किस राज्य के किस जिले में स्थित है तो ये कृषि विश्वविद्यालय है जो कि मेरठ में स्थित है मेरा ठीक इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है तो मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं इसलिए ऑप्शन ए सही होगा पीतल नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की तो इसका सही ऑप्शन है सी न्यूजीलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने शवकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था तो इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है तो इसका डी ऑप्शन सही है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक तो ऑप्शन ये सही है महाश्वेता देवी नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन में जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है तो इसका ऑप्शन बी सही है संपत पाल देवी नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे तो इसका ऑप्शन ए सही है गोपाल नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है तो उसको जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं ऑप्शन ए सही है पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमस्टेक एक उप समूह है जिसमें दक्षिण एशिया योम दक्षिण पूर्वी एशिया के सात देश शामिल हैं जिसका मुख्यालय ढाका में है डी ऑप्शन सही है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एन के तेसौहे जिले के रूप में शामिल किया गया है तो ये ये सही है शामली माल एवं सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था तो इसका आंसर सही होगा आसाम सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल एच सी एच आर आई का मुख्यालय में स्थित है तो इसका मुख्यालय सही है न्यू दिल्ली सही आंसर है सी प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश दे, देश का दौरा किया तो इसका ऑप्शन सी सही है भूटान नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है तो यह सी नेपाल नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काट हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है इसका ऑप्शन ए सही होगा फावड़ा निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं तो इसका सही आंसर है टाइफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ तो ये वोलीबिया देश से हुआ फ्रेंड्स इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ कुछ ही देरों में शुभम सर मैथ और रीजनिंग का सोलूशन लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके थैंक यू